हनुमानगढ़ टाउन थाना में एक युवक ने अपने ही पिता सहित चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। जानकारी के अनुसार चक 22 के एसपी रायावाली निवासी 25 वर्षीय अभिषेक पुत्र प्रभुराम नायक ने मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया कि वह 7 जून 2023 की रात को 1 बजे के लगभग लखनऊ से हनुमानगढ़ जंक्शन पहुंचा था और रात को ज्यादा देर हो जाने के कारण वह जंक्शन में ही रुक गया। सुबह उसके पिता प्रभुराम पुत्र ब्रिजलाल ने उसे फोन कर कहा कि तुम बैंक ऑफ बड़ौदा जाकर आओ, तो वह जंक्शन से कॉलेज फाटक के पास पहुंचा। कॉलेज फाटक के पास पहुंचते ही एक स्विफ्ट डिजायर कार में पीड़ित के पिता व 3 अन्य लोग आए और पीड़ित को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर जोरावरपुरा ले गए और वहां पर नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवा दिया। अभिषेक ने पुलिस को बताया कि वह किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता है। उसने नशा मुक्ति स्टाफ पर भी आरोप लगाते हुए बताया कि कागजात, पैसे, मोबाइल और चार्जर आदि सामान छीन लिया। युवक को उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने नशा मुक्ति केंद्र से छुड़वाया, जिसके बाद युवक ने थाने पहुंचकर अपने पिता सहित 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। फिलहाल हनुमानगढ़ टाउन पुलिस ने संबंधित धाराओं में नशा मुक्ति केंद्र के मालिक सुभाष सहित 3 अन्य पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।